आपका कल एग्जामिनेशन का पेपर है तो आप लोग उसकी रिवीजन करने लगे हैं। बाबा बताएं, अहमद के अब्बा जान सैर करने के लिए करीबी पार्क में जाते थे, कब जाते थे? सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह है। अहमद की छोटी बहन का नाम क्या था? अहमद के अब्बा जान ने सुंदर चिड़िया को देखकर क्या कहा? अच्छा, पौधे का बीज किसने पैदा किया? निन्ने मुन्ने पौधे को जमीन से बाहर निकलने की ताकत किसने दी? पौधे को जमीन से उगने के लिए पानी की जरूरत होती है। आप बताएं कि पानी किसने पैदा किया है? जमीन से पौधे के लिए खुराक कौन पैदा करता है? इंसानों, परिंदों और दरख्तों का खालिक मालिक कौन है? अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीजों को देखकर क्या कहना चाहिए? एक आवाज में बोला है, अल्लाह ताला किन से खुश होता है? नबियों ने इंसानों को बुलाया किसकी तरफ? किसकी तरफ? सबसे पहले नबी का नाम कौन है? अल्लाह ताला ने जो नबी और रसूल भेजे उनकी तादाद कितनी है? कितनी है? सब अंबिया का डैश इस्लाम है। नबी और रसूल अल्लाह का पैगाम डैश तक पहुँचाते हैं। कहाँ तक? इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए हर तरह की डैश अता की। किसे भलाई और बुराई में डैश सिखाई? नबी और रसूल अल्लाह ताला के खास डैश है। अब आप सवालों के जवाब दें। दुनिया में कितने नबी तशरीफ लाए? अंबिया ने लोगों को किन कामों से मना किया? अंबिया के नाम बताए। इंसानों की हिदायत रहनुमाई के लिए किन को भेजा? कौन भेजे? अच्छा, कुरान मजीद किसकी किताब है? कुरान मजीद में कितने सिपारे हैं? कितने सिपारे हैं? कुरान मजीद में कितनी सूरते हैं? 114। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत का नाम? कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए क्या है? क्या है? कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? वेरी गुड। कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि नमाज तरावी किस महीने में पढ़ी जाती है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत और सबसे छोटी सूरत? सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा, सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर। कौन सी है? चलें जी। अरब के मशहूर शहर डैश में पैदा हुए किस शहर का नाम है? सही तरह बोलो। आप सल्लम की दादा का नाम? आप सल्लम की परवरिश गांव की खुली डैश में हुई? अब हुआ। आप सल्लम डैश बरसर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह के पास रहे? कितने साल? आप अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह और डैश भी हजरत मोहम्मद सल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह और नबी सल्लम की वालिदा मुहतरमा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त की उम्र क्या थी? मुझे बात दादा का इंतकाल हुआ उस टाइम क्या उम्र थी? 8 साल। तो की वालिद का इंतकाल कब हुआ? बलादत से पहले। कब हुआ? प्यारे नबी के अखलाक कैसे थे? प्यारे नबी सल्लम किन कामों से दूर रहते थे? हजरत अब्दुल मतलब की वफात के बाद किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की? अबू तालिब ने की।
आपके चचा अबू नबी अकरम के बारे में तीन बातें बताएं। शाबाश, अपना काम खुद करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप क्या करते? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो की हाथें मिलती थी किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की तकलीफ देखकर हो जाते क्या हो जाते बेचैन। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो किसके बेटे थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम बताएं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो की आदत के बारे में दो सत्र लिखें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने घर का काम खुद करती थी और काम के दौरान कुरान पाक की तिलावत करती थी। क्या करती थी? तिलावत करती थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में क्या फरमाया? क्या है? जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। चले जी, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आपको चैप्टर है तहारतों, सॉरी दांत साफ करें और तराशे, कागज और गंदगी फेंके, कहाँ पर अपने लिबास को बचाएं बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है किसे? सफाई की बातों पर अमल करने में हम सबका है फायदा। अच्छा आप मुझे भी ये बताएं कि बैतुल खुला से फारिग होकर क्या धोएं? हम अपना जिस्म और अपना डैश और अपने घर को साफ रखें। काम करने के बाद चीजों को उनकी डैश पर वापस रखें। कूड़ा करकट गली में या डैश में ना फेंके। अच्छा जी, अब इसके सवाल जवाब में इसके अल्लाह ताला के लोगों को पसंद करता रहता है।